बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसा कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक खाना ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पैगेटी। सबसे पहले हमने चिकन लिया है, एक पीस बोनलेस, उसको हमने अच्छी तरह से उसके ऊपर काली मिर्चें, नमक और दरा मिर्च लगा लिया है। अब एक छोटी सी टुकड़ी मक्खन की, इस बेज़रूरत हमने मक्खन इस्तेमाल किया। अब हम उसमें जो चिकन को हमने नमक मिर्च लगाई थी, अब उसमें हम फ्राई कर लेंगे। उसको फ्राई करने के बाद अब हम उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। अब हमने एक कप उसमें स्पैगेटी डाली है और थोड़ी सी हसब ज़रूरत हमने उसमें प्याज, हरी मिर्चें और हसब ज़रूरत हमने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक और सुरख मिर्चें और ये काली मिर्चें, और साथ में हमने ये थोड़ा सा मक्खन डाली और ये हमने, और फिर हमने साथ में इसके कोकोनट की आधी एक टिक्की डाली है। अब हम इसमें एक कप हमने पानी डाल दिया और अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट इसको पकाएंगे। अच्छी तरह से पकने के बाद आप देख सकते हैं कि और इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से बन जाए, सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाए, गल जाए। और अब हम इसमें चिकन डाले और ये हमने मायोनीज डाली है, एक छन्नी इसमें, एक छन्नी मायोनीज की डाल के अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत मज़े की स्पैगेटी बनेगी। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन और दुआओं में